वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज जो है खटमल मारने का एक बहुत ही ज़बरदस्त टोटका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत सिंपल सा टोटका बताऊंगी जिससे आपके घर के सारे खटमल जो छुपे हुए हैं, जो किचन में है, रूम में है, अलमारी में, यानी घर के किसी भी कोने में छुपे हुए सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने नीम लिए हैं, नीम के पत्ते ले लिए हैं और इसको मैंने जो है वॉश करके रखा हुआ है। तो अभी जो है मैं आप लोगों के साथ आगे का तरीका शेयर करूंगी, लेकिन दो तीन टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग जो है घर में रोज़ाना डेटॉल का पोचा ज़रूर लगाया करें, सफाई का ख्याल रखें। अगर घर में कोई पुराने सामान है जैसे किताबें हैं, पुराने कपड़े हैं और जो भी पुराना सा सामान होता है, इनको धूप ज़रूर लगाया करें हफ्ते में एक बार। तो इससे क्या होता है कि जो खटमल होते हैं वो किताबों में और पुराने कपड़ों में पनाह ले लेते हैं और खटमल उसमें अंडे देते हैं और हम लोग दवाइयाँ डाल डाल के थक जाते हैं, लेकिन खटमल जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। दोस्तों मैंने जो ये नीम को बॉयलर में डाल दिया है, बॉयल करूँगी अभी मैं इसको, पतीली में डाल दिया है मैंने और अभी मैं इसको इतना पकाऊँगी कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। हमें इसको इतना पकाना है, पानी आधा जल जाएगा तो हमारा नीम का पानी जो है वो तैयार हो जाएगा। आप लोगों को ये रेमेडी ज़रूर बनाइएगा, बहुत सिंपल सी रेमेडी है लेकिन असरदार बहुत ही है और कम खर्चे में आप लोग ये रेमेडी बना सकते हो। आपको कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ें लानी है जो आपके घर में पहले से ही मौजूद है। तो दोस्तों इसका कलर अब चेंज हो चुका है और अब मैं जो है आप लोगों को आगे का तरीका शेयर करूंगी कि हम लोग जो है ये किस तरह बनाएंगे। 15 मिनट में जो है आप लोगों का ये पानी तैयार हो जाएगा। दोस्तों मैंने ये डिटॉल लिया है और अब डिटॉल को जो है मैं एक बॉटल में डालूंगी और पानी को जो है हल्का सा ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा और उसके बाद बनाइएगा। ये कोई भी पुरानी बॉटल ले लें, आप लोग कोई पुराना बर्तन ले लें जो आप लोग को इस्तेमाल में ना आता हो, उसी में ही जो है हम लोग ये रेमेडी बनाएं आप लोग, ठीक है। अच्छा अब मैंने जो है डिटॉल लिया है, तकरीबन 4 चम्मच हम लोग जो है इसके अंदर डिटॉल ऐड करेंगे। जितने ज़्यादा नीम के पत्ते होंगे आपका लिक्विड इतना ही असरदार बनेगा। बहुत से लोगों को जो है डिटॉल की बदबू पसंद नहीं आती है, उनको एलर्जी होती है, तो आप लोग यकीन करें जब मैंने नीम इसके अंदर डाला है बदबू बिल्कुल भी नहीं आएगी। दोस्तों मैंने साथ में जो है ये सर्फ़ लिया है, आप लोग कोई भी सर्फ़ ले सकते हो जो आपके घर में इस्तेमाल होता हो। इसमें तकरीबन 4 चम्मच हम लोग सर्फ़ डालेंगे, जितना डिटॉल लेंगे उतना ही सर्फ़ लेंगे। अब अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे और फिर हम लोग इसके अंदर डिटॉल पानी जब मिक्स हो जाएगा, सर्फ़ और डिटॉल जब मिक्स हो जाएगा तो नीम का पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। कोशिश करें कि पानी जो है आप लोग पीने वाला पानी, हम लोग जो पीते हैं पानी, वही पानी से आप लोग ये लिक्विड तैयार करें तो वो बहुत ही असरदार होगा। अब अच्छी तरह इसको हिलाऊंगी और एक स्प्रे वाली बॉटल में इसको निकालूंगी और इसको जो है आप लोग जो हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा इसका स्प्रे करें। और जब आपके घर में बहुत ज़्यादा खटमल है तो लगातार जो है एक हफ्ता आप लोग डेली जो है ये स्प्रे करें, ठीक है। इसमें कोई ना बदबू है ना कोई केमिकल है, बिल्कुल सिंपल सी रेमेडी है। आप लोग की रेमेडी बनाएगा, आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को स्प्रे करना है और कोई कमरा बंद करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी और खटमल जो है आपके घर से ख़त्म हो जाएंगे और गायब हो जाएंगे। तो आप लोग ये रेमेडी ज़रूर बनाइएगा। तो आप इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। आप लोग अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।